हेलो स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मित में यह इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों ऑब्जेक्टिव जो अभी हम लेकर के आइए ऑब्जेक्टिव आपको कल पूछा जाएगा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों साइकोलॉजी का एग्जाम जिसका जिसका है जल्द से इस ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीट कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए ये ऑब्जेक्टिव कल आपको सीधे एग्जाम में रहेगा सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों यहाँ पर देखिए सत्तर मार्क का रहता है तीस आपको स्कूल कॉलेज से मिलता है मेरे साथियों ही देखिए ये ये जो है ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं तो बाद में आप पछताएंगे इसलिए सबसे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए नहीं तो बाद में आपको पछताने कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम अब करते हैं बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक इसमें से कौन है जल्दी से बताइए 2009 में भी पूछा 2014 में भी 2018 में ये वायरल ऑब्जेक्टिव है जो रटेगा कल वही जो है वहां पे डटेगा मेरे डियर साथियों एग्जाम हॉल में ये वायरल ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों में यहाँ पे बीने है थॉम्सन है इसके बाद स्पियर है गिल है इसका सही आंसर आपको बताना है इसका हो जाएगा बीने ऑप्शन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा ये वायरल ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजी

से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों सा, साल्वे तथा मेयर ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथी आपको कह रहे हैं ये बिलीव कीजिए आप लोग मेरे डियर साथी ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा किसने बुद्धि को एक सर्वभौमिक क्षमता माना है जल्दी से बताइए किसने बुद्धि को एक सर्वभौमिक क्षमता माना मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा वेलेस जो ऑप्शन जो इसका यानी ए आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पर ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक उपस्थित होती पांच है छ है सात है, है आठ है मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा पांच ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है बुद्धि है अभिप्रेरणा है सृजनात्मकता है संवेग है चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों बुद्धि ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यह आपके सीधे एग्जाम में पूछा ही जाएगा मेरे डियर साथी इसलिए ऑब्जेक्टिव फटाक से आप क्लियर कर लीजिए जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि नब्बे से सौ के बीच होती है उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव कल फिर आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों आज जो है एग्जाम से पहले आपको क्लियर कर लेना रात भर में इसको क्लियर कर लेना मेरे डियर साथियों जल है मूड है सामान्य है प्रतिभाशाली है जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जल ऑप्शन जो इसका ए सही आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पे किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है जल्दी से बताइए ऑब्जेक्टिव फिर पूछा जाएगा आपको मेरे डियर साथियों है 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 टर्मन है, रेबर है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों रेबर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साइकोलॉजी वाला जितने भी छात्र छात्रा है सभी को एकदम जोर से शेयर कीजिए ताकि सबका जो है ऑब्जेक्टिव जो है सही जाए ये जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अस्सी से नवासी के बीच होती है उन्हें कहते हैं ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों भूल भुलैया में मत रहना बिलीव के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिए बिलीव कीजिए ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में रहेगा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ प्रतिभाशाली है मूड है सुस्त है औसत है चलिए आठ का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा इसका मूड हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए यह आपके एग्जाम में रहेगा किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को विकसित किया जल्दी से बताइए किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को विकसित किया मेरे डियर साथियों बी ने है टर्मन है, है, है। साइमन चलिए इसका राइट right आंसर आपको बताना है टर्मन uh, हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट right आंसर है व्यक्ति के जीवन में पूछा गया है व्यक्ति के जीवन में स, स, सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है डियर साथियों इसका राइट right आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर साथियों ये हो जाएगा लगभग सत्तर

बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ मेरे डियर साथियों उन्नीस सौ चौरासी है उन्नीस सौ चौरानवे उन्नीस सौ चौवन है उन्नीस सौ चौसठ है चलिए राइट आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों बारह का इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस सौ चौसठ ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद मानसी के के संप्रदाय को किसने विकसित किया मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए के संप्रदाय को किसने विकसित किया ऑब्जेक्टिव फिर आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों बीने स्टर्न है, है टर्मन है बीने तथा साइमन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीने ऑप्शन जो इसका ए आंसर हो जाएगा याद रखते जाइए मेरे डियर साथियों एक बार में कंप्लीट नहीं होगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा बुद्धि के किनके

तरकना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है आप क्या कह रहा है आग आगमानात्मक तरकना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है चलिए यहाँ पे दिया गया जैनसन है स्पियरमैन है थर्स्टन है गिलफोर्ड है इसका राइट आंसर मेरे डियर साथियों हो जाएगा थर्ट ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पे मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा जल्दी से बताइए मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा मेरे डियर साथियों सामान्य कौशल है इसके बाद प्रशनात्मक कौशल है विशिष्ट कौशल इनमें से कोई नहीं ये आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नात्मक कौशल ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आप सीधे एग्जाम में इसको जो है देख लेना कि ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथी और आपको भेजा मैं सबसे पहले आपको बैठाना है गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किससे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है ये दो में ये ऑब्जेक्टिव को पूछा गया मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में रहेगा हम बार बार कह रहे हैं गार्डनर के अनुसार निम्नाकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है ता यहाँ पे है तार्किक गणित्य है इसके जी कारक स्थानिक है इसके बाद अंतरावे भक्तिक है चलिए

गार्डनर है गिलफोर्ड है जंसन है इनमें से कोई नहीं चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों गिलफोर्ड हो जाएगा क्या हो जाए गिलफोर्ड याद रखना ये ऑब्जेक्टिव को जो है सीधी आपके एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथी ये वायरल ऑब्जेक्टिव है चलिए व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आशर्य का नाम दिया है ब्रूनर है पासी है बाकरवे मेहदी है इसके बाद टोरेंस है चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों बुरूनर हो जाएगा ऑप्शन जो इसका ए इस राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता मेरे डियर साथियों ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा फिर चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे को धमकी देना ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि तैतीस से उनचास होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है मेरे डियर साथियों चलिए इसका यहाँ पे दिया है श्रोम्य मानसिक दुर्बलता साधारण मानसिक दुर्बलता गंभीर मानसिक दुर्बलता अति गंभीर दुर्बलता चलिए राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों अति गंभीर दुर्बलता हो जाएगा ऑप्शन जो इसका the राइट right आंसर हो जाएगा इसके बाद है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया यह भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों यानी आठ तारीख को यह भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा जल्दी से कर लीजिए साइकोलॉजी वाले सब ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा चार्ल्स एस्पियरमैन है बीने है रेबर है इनमें से कोई नहीं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया चलिए चौबीस का राइट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स एस्पियरमैन हो जाएगा ऑप्शन जो इसका ए सही आंसर हो जाएगा इसके बाद आप किसके

किया मेरे डियर साथियों थर्स्टन है बीने है रेबर है स्पियर मैन है इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा थर्स्टन ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पे थर्डाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है मेरे डियर साथियों थर्डाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है पांच तीन दो छ जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन बी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों सीधे आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर होता है

जो 25 वर्ष से नीचे है उसको किस बुद्धि लब्धि में रखा जाएगा मूर्ख छीन बुद्धि अल्पमति जर बुद्धि चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथी जर बुद्धि ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है ऊंट कहाँ के रहने वाले थे ऊंट कहाँ के रहने वाले थे मेरे डियर साथी ऊँट नहीं ऊँट ऊँट जो है ऊँट वैज्ञानिक फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड इटली चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ऑप्शन जो इसका यानी बी नहीं होना चाहिए जर्मनी होगा क्या होगा जर्मनी

एलॉग परीक्षण किसने किया मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए अलेक्जेंडर ने बीने ने स्पियरमैन ने गार्टनर ने चलिए बत्तीस का राइट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ने ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके सीधे एग्जाम में पूछा ही जाएगा मेरे डियर साथियों समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जल्दी से बताइए गार्डनर है स्पियरमैन है बीने अलेक्जेंडर है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा स्पियरमैन हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर होगा इसके बाद है यहाँ पे मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गार्ल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की जल्दी से बताया अठारह सौ बिरासी ईस्वी में अठारह सौ तेरासी ईस्वी में अठारह सौ चौरासी ईस्वी में अठारह सौ पचास ईस्वी में चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाए अठारह सौ बिरासी ईस्वी में ऑप्शन जो इसका बी बहुत बच्चा मार्ग कता है ए इसका सही आंसर होगा मेरे डियर साथियों चलिए इसके बाद है तो गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया चलिए गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का आप यानी पहचान किया है पांच बुद्धि छह बुद्धि सात बुद्धि आठ बुद्धि चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों आठ बुद्धि चलिए इसके बाद यहाँ पे है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है क्या कहा जाता है बुद्धि सूझ अभी क्षमता सर्जनशीलता नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को आ, कहा जाता है मेरे डियर साथियों क्या कहा जाता है चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका सर्जन सिलता हो जाएगा ऑप्शन इसका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो बराबर बराबर हो तो वह कहलाता है क्या कहलाता है तीर्व बुद्धि का व्यक्ति मंद बुद्धि का व्यक्ति, व्यक्ति प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके सामने है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं जल्दी से बता इसका राइट

क्या कहलाती है व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है व्यक्तित्व अभिक्षमता अभिवृत्ति अभिरुचि चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों अभिक्षमता हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा इसके बाद आपके स्क्रीन पे स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का तत्व कितना है तीन है दो है एक है चार है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों दो है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के जो तत्व हैं दो है मेरे डियर साथियों एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए अगर आप पी लेना चाहते तो पी अभी हम फ्री में दे रहे हैं पी का कोई पैसा पैसा तो नहीं लेते हैं पी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में है पी वहां से आप ले सकते हैं टेलीग्राम का नाम है जादूगर जादूगरमेत वहां से टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए जादूगर जादूगरमेथ टेलीग्राम मेरा खुल जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव ही रामबान साबित होगा सीधे आपके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं करवाया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक वीडियो और लेकर के आएंगे थैंक यू धन्यवाद